नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी गुड न्यूज है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में डाक विभाग में बम्पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह भर्ती केवल मेरिट के आधार पर होगी। यहाँ पर ना तो कोई परीक्षा होगी, ना कोई इंटरव्यू होगा। आवेदन ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। अगर आप भी इच्छुक हैं तो आवेदन जरूर करें। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी डिटेल के साथ देने वाले हैं कि इसमें क्या आयु सीमा मांगी गई है, क्या योग्यता मांगी गई है, अंतिम तिथि क्या है, कितना वेतन दिया जाएगा। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी डिटेल के साथ देंगे, तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सभी जगहों पर इस वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, हम आज को उस अपडेट की तरफ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में है 4264 पद दिए गए हैं और उत्तराखंड में 581 पद दिए गए हैं। आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप गूगल पर जाकर वहाँ पर भी इस वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसके नोटिफिकेशन को अगर पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर यहाँ पर लिखा है कि डाउनलोड नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश से। अगर आप देख रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। चलिए हम आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके दिखाते हैं। हमने उत्तर प्रदेश पे क्लिक किया, यहाँ पर हमारे सामने यह डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों, हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर पद दिए गए हैं। ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी BPM का पद दिया गया है एक, और यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM का इसको पद दिया गया है यहाँ पर। और अगला जो है यहाँ पर डाक सेवक, इस तीन पदों पर दोस्तों यहाँ पर भर्ती आई हुई है। और यहाँ पर दोस्तों आवेदन अप्लाई जब होगा दोस्तों 24 अगस्त से यहाँ पर शुरू हुआ है और 22 सितंबर तक है इसकी अंतिम तिथि है। वेतन आप यहाँ पर देख सकते हैं, BPM के लिए अगर आपकी नियुक्ति होती है, अगर आप 4 घंटे काम करेंगे तो आपको 12,000 दिए जाएंगे और 5 घंटे के लिए आपको 14,500 रुपये दिए जाएंगे। ABPM और डाक सेवक के लिए 4 घंटे के लिए 10,000 रुपये और 5 घंटे के लिए 12,000 रुपये दिए जाएंगे। एज दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 वर्ष से 40 वर्ष के लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और जो यहाँ पे SC ST कैटेगरी के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है, बैकवर्ड के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है, और यहाँ पर जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। जो दिव्यांग OBC हैं उनको 13 वर्ष की और दिव्यांग SC ST को 15 वर्ष की यहाँ पर आयु सीमा में छूट दी गई है। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर हाई स्कूल पास मांगा गया है मैथमेटिक्स से, और यहाँ पर लोकल लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना ज़रूरी है। आपकी जो लोकल लैंग्वेज है आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि हम उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसी हम बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की, यहाँ पर दोनों के लिए यहाँ पर जो है वह लोकल लैंग्वेज हिंदी दी गई है। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग भी आपको आना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको साइकिल चलाना भी आना चाहिए। सिलेक्शन जो होगा दोस्तों आपका मेरिट के आधार पर किया जाएगा। हाई स्कूल की जो आपके नंबर होंगे, मार्क्स होंगे, उसके परसेंटेज के हिसाब से जो मेरिट यहाँ पर निर्धारित की जाएगी, उस मेरिट के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ना तो यहाँ पर कोई टेस्ट होगा, ना कोई आपको परीक्षा देनी होगी, ना कोई इंटरव्यू होगा। अगर आप मेरिट में आपका नाम आता है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आवेदन आपको कैसे करना है, आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। आप चलिए हम आपको दिखाते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर। दोस्तों हम आज के उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप भी इस ऑफिशियल वेबसाइट को यहाँ पर आकर के यहाँ पर आप इस नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये विषय भी नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो नंबर एक आपको स्टेप यहाँ पर करना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टेज फर्स्ट जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा, और जो सेकेंड है यहाँ पर आपको फीस देनी होगी दोस्तों। यहाँ पर जो इसकी पेमेंट फीस है 100 रुपया फीस है, यहाँ पर आपको देनी होगी। अगर आप दोस्तों OBC जनरल कैटेगरी के, तभी आपको फीस देनी पड़ेगी। अगर आप अदर कोई कैटेगरी के हैं या महिला हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी फीस नहीं देनी होगी। और तीसरा जो स्टेप है दोस्तों, यहाँ पर आपको आवेदन ऑनलाइन करना होगा अपने सारे डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा जब इसकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको आवेदन ऑनलाइन करके हम दिखाएं तो आप हमें कमेंट करें, हम अगले वीडियो में आपको आवेदन ऑनलाइन करके भी दिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।